हेलो फ्रेंड्स, योगी फूड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन कोरमा की रेसिपी, जो कि खाने में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और रेसिपी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए और देरी न करते हुए झटपट से बनाना शुरू करते हैं शाही चिकन कोरमा। तो फ्रेंड, शाही चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 600 ग्राम चिकन लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हमें इसे मैरिनेट कर लेना है। तो मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच रेड कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। 2 चम्मच के इतना अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल देना है 2 चम्मच दही। और अब हमें इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चिकन कोरमा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना पड़ता है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम आधा घंटा तक रख देना है फ्रिज में। आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने से अच्छी तरह से ये सेट हो जाती है। तो हम इसे फ्रिज में ही रख देंगे आधा घंटा के लिए। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लिया है। तब हम इसे रख देते हैं आधा घंटा के लिए। चिकन कोरमा के लिए फ्रेंड हमने यहाँ पर देखिए 2 चम्मच के इतना लिया है पॉपी सीड्स और लिया है 10 काजू बादाम। इसे हम डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाएगी, जिसे पीसने में एकदम आसानी होगी और ये एकदम स्मूथली पीसेगी। तो इसे भी हमें 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। आप इसमें बादाम भी मिक्स कर सकते हैं और बादाम को भी हमें इसी तरह से फूलने के लिए छोड़ देना होगा। तो फ्रेंड, चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने देखिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है और गर्म हो गई है। तब हम इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच रिफाइन ऑयल। और क्योंकि हम ये शाही चिकन कोरमा बना रहे हैं तो इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 चम्मच घी, ये देसी घी है फ्रेंड। आप चाहे तो सिर्फ घी से ही इसे बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 1 चम्मच डाल दें जिससे कि तेल में घी का भी फ्लेवर आ जाएगा। देखिए ऑयल गर्म हो गई है, तब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। ये देखिए, हमने 3 बड़े साइज के प्याज को देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। हमें इसे सुनहरा होने तक भून लेना है। यह देखिए फ्रेंड्स, प्याज देखिए फ्राई हो गई है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है। तब हम सारे प्याज को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे प्याज को निकाल लिया है। अब हमें इसे ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तब हम उसी तेल में डाल देते हैं कुछ फ़ोरन, जिसमें हमने लिया है 2 तेज़पत्ता, कुछ जीरा, 5 लिया है लौंग, 4 इलायची और 1 दालचीनी, इसे हम भी डाल देते हैं और इसे थोड़ा भून लेते हैं। हम इसमें डाल देते हैं मैरिनेट की हुई चिकन को। फिर इसे हमें अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लेना है। हमने चिकन को देखिए 1 मिनट तक भून लिया है। तो इसी समय अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच है थोड़ा कम ब्लैक पेपर का पाउडर। और साथ ही डाल देते हैं 2 चम्मच के इतना नारियल का बुरादा, यानी सूखी नारियल का बुरादा है।
और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और 1 मिनट तक इसे हमें चिकन को भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने और 1 मिनट चिकन को देखिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं दही। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच पीस का दही लिया है और अच्छी तरह से फेंट लिया है। तब हम दही को भी इसमें डाल देते हैं। और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं दही के साथ। चिकन कोरमा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें, देखिएगा आपके फैमिली मेम्बर को ये जरूर पसंद आएगी। तो हमें अच्छी तरह से दही के साथ चिकन को और 1 मिनट तक पका लेना है। फ्रेंड, हमने यहाँ पे दही जो लिया है वो एकदम फ्रेश दही लिया है। तो आप भी जब भी बनाएं तो फ्रेश दही लें, ज़्यादा खट्टी दही ना लें। तो ये देखिए चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तब हम ग्रेवी के लिए इसमें डाल देते हैं पानी। बस इतना ही पानी डालना है। हमने इसमें लगभग 1.5 गिलास के इतना पानी डाला है। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। हमने पहले भी मैरिनेट करते हुए नमक डाला था, तो इस बात का ध्यान रखें और कम ही नमक डालें। अच्छी तरह से हमने ये देखिए मिक्स कर लिया है। तब हम चिकन को ढक के 15 मिनट तक पका लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए हमने काजू बादाम और पॉपी सीड को जिसे हमने भींगने के लिए दिया था, देखिए इसे हमने पेस्ट कर लिया है। हमें इसी तरह से पेस्ट कर लेना है। तो हमें प्याज को भी दरदरा पीस लेना है, इसे एकदम स्मूथली ना पीसें। ये देखिए हमें इसी तरह से प्याज को दरदरा पीस लेना है। तो चलिए अब हम चिकन में इसे डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, चिकन को हमने 10 मिनट तक पका लिया है। देखिए ये कितनी अच्छी नज़र आ रही है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज को जिसे हमने पीस लिया है, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और फिर से हम इसे ढक के और 5 मिनट तक पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए फ्रेंड, चिकन कोरमा बन चुकी है। तब हम लास्ट में इसमें डाल देते हैं काजू बादाम का पेस्ट जिसे हमने पीस लिया है, और साथ ही डाल देते हैं केवड़ा जल। इसे ज़रूर डालें, इस रेसिपी में इसे ज़रूर डालें, इसी से ये एकदम टेस्टी लगती है। देखिए इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक चलाते हुए पका लेना है। तो फ्रेंड, चिकन कोरमा बनके तैयार है। ये देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आप इसे गर्मा गर्म चावल, पराठा, नान, चावल किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम चिकन कोरमा को एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की ये चिकन कोरमा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से एक नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।